सुनवाई है। हम लोग जितना अभी आए तो शिव बाबा के पूजा किए और शंकर भोले के पूजा किए, तो हम लोग आस्तिक हैं, हम लोग ओरिजिनल पुजारी है, हम लोग पूजा करते हैं सुख शांति समृद्धि या इलाका के शांति के लिए। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। चौधरी का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। कौन मोहल्ला है चौधरी जी आए हैं? ये रामनगर है। किस तरह से लोगों का स्वागत उनका कर रहे हैं? बहुत भव्य स्वागत हो रहा है, बहुत भव्य स्वागत है। किस तरह समर्थन मिलेगा यहाँ का लोगों का? लालटेन का समर्थन है, अवध बिहारी चौधरी जी का समर्थन है। कहना है कि वोट में भी जाएगा? ये फौ में फौ है, ये हवा हवाई वाला बात नहीं है, हवा हवाई वाला बात नहीं है, एकदम एक तरफा जीत है। कोई भ्रमित नहीं है, कोई भ्रमित नहीं है, सारा लोग एक तरफा है, सौ में सौ लालटेन छाप, एकदम जीत है। है कि चौधरी जी आएंगे तो विकास होगा? एकदम विकास होगा, काहे नहीं विकास होगा। इनके जैसा कोई प्रत्याशी है क्या सिवान में? कोई सिवान में इनके जैसा प्रत्याशी नहीं है। कोई दिखा दीजिए इनके ऊपर मुकदमा, और कोई इनके कोई मतलब इनका फिरौती का मांग हो, एक रुपया किसी से फिरौती नहीं लेते हैं, ना किसी का मांग है। कोई गांधी क्या कहेंगे? साथ नंदी भाई साथ लोग सुनाए हैं मोहल्ला में। हाँ, कौन छाप? ललदेन छाप। क्या कहेंगे चौधरी जी आए हुए हैं, बड़ा लोग का समर्थन मिल? देख ही रहे हैं, पूरा हर तबके के लोग को उनका समर्थन मिल रहा है, और चुनाव चिन्ह से ही देख लीजिए एक नंबर पे है। एक नंबर किसको मिलता है? जो एक नंबर आदमी रहता है। बहुत धन्यवाद गांधी, एक नंबर पे है और एक नंबर चुनाव चिन्ह है और एक नंबर में रहेंगे, तो देख सकते हैं कि एक नंबर में रहेंगे। जिंदाबाद। क्या कहेंगे लंटेन छाप? जिंदाबाद। एक नंबर चुनाव चिन्ह है और एक नंबर में रहेंगे। एक नंबर रहेगा, एकदम एकदम। तो एक नंबर चुनाव चिन्ह है और एक नंबर, देख सकते हैं हमारे पीछे, आप दिखाना चाहेंगे इधर दिखाइए कि अवध बिहारी चौधरी जो है और यहाँ पहुँचे हुए हैं और लोग जोरदार स्वागत कर रहे हैं। तमाम जो लोग यहाँ पीछे देख सकते हैं कि एकदम अवध बिहारी चौधरी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, और सिवान के गांधी कहे जाते हैं अवध बिहारी चौधरी, और देख सकते हैं कि अवध बिहारी चौधरी जो है पहुँचे हुए हैं और तमाम जो लोग हैं इनके कार्यकर्ता, इनके समर्थक इनके साथ साथ हैं, और आपको हम दिखा रहे हैं कि अवध बिहारी चौधरी जो हैं अब सिवान के गांधी हैं, और सिवान के गांधी के नाम से लोग इनको नवाजता है, और तमाम जो लांटे छाप के समर्थक हैं, जो लालू यादव के समर्थक हैं, जो तेजस्वी यादव के समर्थक हैं पीछे जा रहे हैं, और तमाम जो लोग हैं पीछे देख सकते हैं बहुत लोग जुड़े हुए इनके साथ, और तमाम कहेंगे पूरा एक जन सैलाब आपके साथ जुड़ता जा रहा है, एक जन सैलाब धीरे धीरे, और लोगों का प्यार हमारे साथ, लोग हमको चाह रहे हैं। जैसे ही आप बिहार विधानसभा अध्यक्ष बने थे तो आपको सिवान का गांधी कहा गया था, और गांधी के रूप में आज उभरे हैं। गांधी के अनुयायी हूँ और गांधी के सत्य अहिंसा को अपनाया हूँ, और किसी के साथ अन्याय नहीं किया हूँ, तो इसलिए गांधी का लक्षण हमारे अंदर दिखलाई देता, इसलिए लोग समाज के लोग आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं। सब व्यवसायी, सब भाई, सभी वर्ग के भाई हमारे साथ हैं, सब लोगों का समर्थन, देख सकते हैं अपार लोगों का समर्थन है और लोगों का प्यार है कि अवध बिहारी चौधरी के साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं। पूरा लंटेनमय है,
पूरा जिला लालटेनमय हो गया है। लालूवादी से सब लोग, उनके विचारधारों से सब जुड़े लोग हैं, सब कोई यहाँ चुनाव में कोई लड़ाई में नहीं है। जो लोग इन्हें उन्हें भौंक रहे हैं, कौन भौंक रहा है? कोई नहीं भौंक रहा है। जो जहाँ है सब वोट मेरा है। कोई जो घूम रहा है इधर उधर उस पर टिप्पणी नहीं करना है हमको। सब लोग अस्थिर हैं, एक चीज़ जानते हैं, 25 तारीख को लंटेन छाप पर वोट देकर इनको। कहाँ पे आए हैं और कहाँ पे सभा चल रहा है? रामनगर में शिव मंदिर में चल रहा है, इसके बाद दलित बस्ती, उसके बाद लक्ष्मीपुर और टावर के पास होगा। पूरा खुलम खुला एक ही चीज़ बोल रहे हैं, सिवान के गांधी श्री अवध बिहारी चौधरी जी को हम लोग जीता कर दिल भेजने का कार्य करेंगे। ये तो हमको थोड़ी कहना है, ये तो जनता को बताना है। जो भटके उछले उधर जा रहे हैं उनको ना हमको बताना है कि छः से विधायक रहे, 3 बार मंत्री रहे हैं, 1 बार स्पीकर रहे हैं, ये सभी जनता मालिक होशियार जानती है। सिसवन ढाला हम बनवाए हैं तो विकास हम किए हैं सिवान का, तो यहाँ का गाजवा का गाजवा इनके पास है और किसी के पास नहीं है, ठीक है। और आपको कागज देखना है तो इनके डेरा पर आकर देख लीजिए कागज कौन गोरख कहेंगे राजद भक्तों से यही कहेंगे कि अब की बार लंटेन छाप, हाला कर लंटेन छाप, चुपचाप नहीं, हाला कर लंटेन एकदम टाइट ठोक लंटेन छाप, एकदम कोई शक नहीं। लोगों का विश्वास है, हमारे चाल चलन को लोग जानते हैं। जितना लोग लड़ रहे हैं सब लोगों को पहले चाल चलन के बारे में पत्रकार लोग आए जनता पता लगावे कि हम क्या किए हैं और लोग क्या करेंगे। हमें अनुभव है, आए अपने चरित्र को बचा कर रखा हूँ, सब समाज के भाइयों को आदर प्रेम दिया हूँ, इसलिए लोग चाहते हैं कि अच्छे आखिर अच्छे प्रत्याशी का चयन होगा कि नहीं होगा। प्रजातंत्र में 5 वर्ष में चुनाव आता है और जो लोग लड़ते हैं मतदाता को एक एक आदमी को देखना चाहिए कि किसका क्या है, ये इसमें क्षमता सेवा करने की है, ये निर्माण करने वाला है कि विनाश करने वाला है। रमेश सिंह कुशवाहा कह रहे हैं कि 2 दिन पहले योगी का प्रोग्राम है, सब माहौल चेंज हो जाएगा और हम लोग लीड कर जाएंगे। उनका इमेजिनेशन है। अब हम तो और कुछ नहीं कहेंगे, उनको एक एक बात कहेंगे कि कम से कम प्रत्याशी को नहीं मालूम है तो अपने 2 दिन क्लास लेकर बतला दें कि चुनाव लड़ने का और किस चीज़ का क्या माने होता है। मैं नहीं कहता हूँ, आप ही लोग बोल पूछते हैं तो उनको बताना चाहिए। अब माहौल क्या चेंज होगा जी? अवध बिहारी चौधरी कोई नया है? कौन निर्दलीय लड़ रहे हैं? हम तो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन से लड़ रहे हैं, 6 पार्टी है, 6 गो धागा को एक जगह बांध दिया जाए तो इतना मोटा रास्ता हो जाएगा, इसमें ताकत हो जाएगा। तो इंडिया क्या है, 1 गो 2 गो है, उसमें हम में अंतर है। और मतलब 10 वर्षों से रहने के बाद से लोगों में निराशा है, इसलिए क्या आएंगे, जादू के छड़ी छिड़ी कर चले जाएंगे। लोगों ने मिजाज बना लिया है, भले हवा जिस तरह के लोग बहावे, लोग मिजाज बना लिया है कि इस बार हम लोग को एक अच्छा आदमी, गांधीवादी विचारधारा के आदमी, शांति सद्भावना में विश्वास करने वाले आदमी, सभी जात जमात को लेकर चलने वाला प्रत्याशी मैदान में है, पढ़ा लिखा है, उसको अनुभव है, स्पीकर रहा, मंत्री रहा है, इसलिए तुलना करके लोगों को मन में है। अरे राम मंदिर का हाँ, तो गांधी इसलिए कहते हैं कि हम में अच्छा गुण पाते हैं, गांधी जी में अच्छा गुण था तो लोग गांधी कहते थे। एमपी बनेंगे इस बार? अब जनता हमको तो आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, और जनता आशीर्वाद देगी तो ये सिवान के नजरों का गांधी जरूर पार्लियामेंट में जीत करके जाएगा। हम लोग जितना अभी आए तो शिव बाबा के पूजा किए और शंकर भोले के पूजा किए, तो हम लोग आस्तिक हैं, हम लोग ओरिजिनल पुजारी है, हम लोग पूजा करते हैं सुख शांति समृद्धि या इलाका के शांति के लिए, और वो लोग पूजा करते हैं दिखावा है, कुर्सी के लिए पूजा करते हैं। भगवान जी भी उन लोगों से, हनुमान जी भी नाराज चलते हैं। जितने प्रत्याशी भगवान के पीछे भाग रहे हैं और आपको सम्मानित कर दिया गया भगवान से।
आपको पहले रंग पहचानने के ख्याल कीजिए कि रंग क्या है। ये भगवा नहीं है, ये हरदी है। हरदी शादी में, ब्याह में, सब चीज में ये हरदी है। भगवा वाले वो लोग है, हम हरदी वाले हैं। हम भगवान के और शंकर भगवान के, माँ दुर्गा के, जो जनता हमारी शक्ति ताकत है उसका मैं पूजा करता हूँ। क्या कहेंगे, मतलब सम्मानित किए हैं इनको, हम धन्यवाद देते हैं। प्रदेश के अध्यक्ष है, अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष है, बढ़िया आदमी है, तो सम्मानित करेंगे, इनको करना ही चाहिए, हमको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जनता जिस तरह से हमें सम्मानित कर रही है, इनके सत्कार से आह्लादित है। हमें ऐसा लगता है कि निश्चित जनता हमको लालटेन पर बटन दबाकर आशीर्वाद देगी 25 तारीख को, हमें अवसर अपने सेवा को देगी। मैं नेता नहीं, एक सेवक बन करके सिवान शहर के सभी वार्ड के और देहात के मैं सेवा करूँगा। अच्छे प्रत्याशी हैं, साफ सुथरा प्रत्याशी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम जिताना है, आए हम जिता देना है, सिवान से जीत रहे हैं, जिता का देना है, जनता जिता रही है। सब लोग कह रहे हैं कि हम ना कहता है, हम भी चुनाव लड़े हैं वार्ड मेंबर का, हम भी कहते थे कि जीत रहे हैं, इलेक्शन से कोई नहीं कहेगा कि हार रहे हैं। पार्टी के नेता है, राष्ट्रीय पार्टी के नेता है, इनका छवि साफ सुथरा है, आई लीडिंग ही कर रहे हैं। क्या कहेंगे, किसको जिताना है? और बेरी चौधरी लालटेन वाला छाप किसान खबर टन कहाँ दबेगा, लालटेन वाला छाप मजदूर खबर टन कहाँ दबेगा, लालटेन वाला छाप कहाँ दबेगा, लालटेन वाला छाप। अब की बात गरीबों का बहुत ज्यादा समर्थन, पूरे गरीब समर्थन दे रहे हैं भारत को बचाने के लिए। जब गरीब वोट देंगे तो भारत बचेगा। एनडीए को भगाना है और INDIA इंडिया को भारी मतों से जिताना है, भाजपा को भगाना है, देश को बचाना है। सिवान के गांधी के पक्ष में इसलिए एकजुट हो रहे हैं कि सिवान की जनता इतिहास के पन्नों में ये दर्ज कराना चाहती है कि हम लोगों ने लोकतंत्र में एक ऐसा उम्मीदवार चुन के भेजा जो हीरा है, जो अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले हैं। इसलिए सारे लोग, हर वर्ग के, हर जात के लोग, हर संप्रदाय के लोग अपने गांधी के समर्थन में आ रहे हैं। जिस तरह असहयोग आंदोलन करके गांधी ने हमको आज़ादी दिलाई, उसी तरह हमारे गांधी जी अगर ये पहुंचते हैं लोकसभा में तो पूंजीपतियों से ये आज़ादी दिलाएंगे। जो मनसा रखे हैं लोग 400 पार करके और संविधान को समाप्त करने का, तो वो मनसा पे पानी फिरेगा। जब गांधी जी वहाँ पहुँचेंगे तो अच्छा कार्य करेंगे। 100% मिल रहा है, ताल ठोक चुके हैं हम लोग, जो इन्हें उन्हें लोग भौंक रहे हैं वो सब लोग आ जाएगा साथ में, कोई ज्यादा नहीं भौंक रहा है, वो सब साथ में आ जाएंगे साथ में। समाज जुट है हम लोग ना कोई जाति विशेष राजनीति करते हैं, हम लोग बहुत अपना एक काम पर अथी करते हैं, विकास के ऊपर करते हैं, शिक्षा के ऊपर करते हैं, रोजगार के ऊपर काम करते हैं।